आज हम बनाएंगे बहुत मजेदार रेसिपी पूरियां जो सबको पसंद आती हैं। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनके तैयार पूरियां देखने में कितनी खूबसूरत और खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। धन्यवाद। नमस्कार। सॉरी, आज हम बनाएंगे नॉर्मल गेहूं की बहुत टेस्टी पूरियां। 450 ग्राम आटा है गेहूं का, 3 चम्मच चीनी, 2 चम्मच सौंफ। आज हम इसकी पूरियां बनाएंगे। अब मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया है क्योंकि ये बड़ा बड़ा दिखेगा ना तो देखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसे पीस लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे। अब हम इसे बराबर मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम रोटी के आटे जैसा, आप जैसे पूरी बनाते हैं। हम इसे इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सानेंगे। अब हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम चलेंगे गैस की ओर इसकी पूरी बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे घर में कोई मेहमान वगैरह आए तो हमें इस टिप से पूरियां बनाए ना तो उनको अच्छा भी लगेगा और खाने का मजा भी। अब हम चलेंगे गैस की ओर। बनाएंगे पूरियों की लोई ऐसे छोटी छोटी। अब हम बेलेंगे। बहुत स्वादिष्ट होती हैं पूरियां। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पेट में ठंडा रखती हैं। जिन्हें पूरियां हजम नहीं होता है तो बारिश से वैसे गर्मी में वो सब इस पूरियों को खा सकते हैं। अजवाइन की पूरियां मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लेंगे। और ये भी बहुत स्वादिष्ट होती है खाने में, टेस्टी होने के साथ साथ ना फायदेमंद भी बहुत है। बस खाना तो सब बनाते हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए तो सब हर एक चीज बना सकते हैं, स्वादिष्ट भी बन सकता है। हमारे यहाँ ना बाजू में मैच चल रहा है, चलिए अब हम गैस की ओर चलते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पूरियां। मैंने तेल पहले से गरम रखा है होने के लिए।
हम इसमें करेंगे। देखो हमारा तेल भी परफेक्ट हुआ है। हमारा जो तेल है ना काफी ज्यादा ही गर्म हुआ है, पहले मैं इसे थोड़ा धीमा कर देती हूँ। देखने में भी अच्छी और खाने में भी। मैंने जैसे बताया स्टिप्स बनाएंगे ना तो आपकी पूरियां भी खुलेंगी, खाने में स्वादिष्ट भी होंगी। देखना कितनी अच्छी लग रही है। देखो और इसमें ना सुगंध बहुत अच्छी आती है। एक बार बनाती जरूर खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखना और आप हमें बताना और क्या मैं बनाऊं आप सबके लिए, कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी बनाने के लिए। धन्यवाद।